हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्रैंड न्यू एपिसोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मेरा सुबह सुबह का इतना काम था कि पूछो ही मत। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो फिर आप देख सकते हो कि सुबह सुबह का, और मैंने थोड़ा बरंडा भी झाड़ू लगा रही थी क्योंकि बाई आ गई थी, तो उसके साथ मिलके हम दोनों ही मिलके बरंडे की सफाई कर रहे थे। क्योंकि कभी कभी घर की सफाई, यू नो, सोफे वगैरह को भी धूल बुरा लग जाता है, तो उस सब की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सब की सफाई करते करते मुझे बहुत काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि इन सब की सफाई करते करते अभी मैं आंगन की झाड़ू लगा लूँगी बोल के सोची। तो मैंने उसको बताया कि कहाँ कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, तो वो भी मेरे साथ ही कर रही थी। क्योंकि उसको बताना पड़ता है, कोई आपके घर में काम कर रहा है तो आपको उसको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है। तो मैं उसको दिखा रही थी, यहाँ करो वहाँ करो। फिर उसके बाद मैं गई आंगन को झाड़ू लगाने के लिए। सुबह मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं योगा वगैरह प्राणायाम वगैरह कर सकूँ, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा काम कर लेती हूँ जिससे मेरा पसीना भी बाहर निकल जाएगा और मुझे और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो मुझे आंगन की झाड़ू लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंगन की झाड़ू लगाने के बाद मैं कुछ बनाने वाली थी तो उसकी प्रिपरेशन कर रही। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की चटनी। गर्मी का टाइम पे किसी किसी को शाम कुछ खट्टा खाने का क्रेविंग होता है। इस माउथ वाटरिंग चटनी को अगर आप खा ले एक बार तो ये लत लग जाती है। सो इस चटनी का नाम है मैंगो चिंचू। और इस मैंगो चिंचू को कैसे बनाया जाता है और ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को मेरे काका बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मैंगो चिंचू। हमने आम तोड़ा पहले, चटनी बनाने के लिए पहले आप कच्चे आम को तोड़ना पड़ता है। तो हमने कच्चे आम को तोड़ लिया पहले, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद हमने उसके छिलके भी उतार दिए। आप देख सकते हो हमने छिलके उतार दिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, कच्चे आम के साथ मैंने एक पक्का आम भी ले लिया, चीनी ली, नमक ली, और उसके बाद सरसों का तेल लिया। और उसके बाद आपको लेना है कच्ची मिर्च, और उसके बाद अच्छे से कूट लेना है। कूटने अच्छे से, बारीक से कूटने को ही चिंचू कहा जाता है हमारे लैंग्वेज में। और ये आम की खट्टी मीठी चटनी नहीं, इतनी माउथ वाटरिंग चटनी होती है, अगर आप एक बार खा लेंगे तो इसे खाने का आपको बार बार मन करेगा। आप देख लीजिए, और आप भी, मुझे ख्याल से आप भी बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद हम कच्ची मिर्ची को अच्छे से कूटने में कूट के हम कूट लेंगे, और उसके बाद चटनी के साथ आम के ऊपर उसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको कितना पसंद है। मुझे थोड़ा कम पसंद है तो मैं कम लूँगी, और मैं थोड़ा चीनी ज़्यादा लूँगी तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा चीनी ज़्यादा ले लिया, चीनी में थोड़ा ज़्यादा ले ली। और उसके बाद मैं सरसों का तेल डालूँगी। सरसों का तेल डालने से क्या होता है, उसका जो टेस्ट है वो निखर के बाहर आ जाता है। सरसों का तेल डाल के आप उसको अच्छे से चम्मच के साथ आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और चम्मच से मिक्स करने से क्या होता है कि जैसे कि आप, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो सब लोग, सबको इतना अच्छा नहीं लगता ना हाथ से मिक्स करना, तो फिर चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ, चम्मच से मिक्स करके। और ये हो गया आपका मैंगो खट्टी मीठी चटनी। सो मैं, आप सब भी ये खाइए, बनाइए, कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह मैंगो चटनी कैसी है, ये हमारे बिस्नुप्रिया मणिपुरी स्टाइल में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।